दोस्तों, आसमान से बिजली गिरती है ये तो आप सब लोग जानते हैं, पर क्यों गिरती है इसका जवाब नहीं है। देखते रहिए पूरी वीडियो, सब समझ जाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मौसम खराब होता है तो आपने कभी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से जमीन में गिरते देखा होगा। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब आसमान में बादल यानी कि बर्फ के टुकड़े आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं और वही छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जमीन में आकर गिरते हैं। और जब बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें से घर्षण पैदा होती है और उसी घर्षण से ही बिजली निकलती है और अलग अलग दिशा में बिजली भागने लगती है। पॉजिटिव बिजली सौर मंडल में चली जाती है और निगेटिव बिजली दोस्तों बारिश की बूंदों के सहारे जमीन पर आती है। समझ गए? नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे। जब दो पत्थर को आपस में टकराते हैं तो लाइट निकलती है और एक लाइट ऊपर और एक दूसरी लाइट नीचे को जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब बर्फ टकराती है तो बिजली ऊपर को दूसरी नीचे को आती है और ऐसी चीज को तलाशती है जो उसको पॉजिटिव करंट दे सके, क्योंकि दोस्तों जो बिजली गिरती है उसका वोल्टेज 10 करोड़ होता है। पर दोस्तों, अच्छी बात यह है कि बिजली गिरने का समय 5 सेकंड से कम होता है, इसीलिए खतरा जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर बिजली कहीं भी गिर जाए तो उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगी और खतरा हो सकता है। पर पॉजिटिव चार्ज पाने के लिए बहुत रास्ते हैं, उसको किसी बिजली के खंभे और जमीन के अंदर मिल जाता है और आराम से उसके अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, बिजली क्यों कड़कती है? दोस्तों, जब बारिश हो रही होती है तो बारिश का पानी बिल्कुल ठंडा होता है। जब पानी से बिजली टकराती है तो कड़कने ही लगती है। जैसे कि जब कोई गर्म लोहे को हम ठंडे पानी में डालेंगे तो आवाज़ करता है, बिल्कुल इसी तरह पानी से टकराने से बिजली में आवाज़ आती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।